وطن عشق من هم وطن جان من. वालेकुम सलाम. कौन सी एयरलाइन बैठे हैं आप? एयरलाइन ये भाई ये कोस्टल ट्रेन है जो कुम से मशहद जा रही है. बड़ी मुश्किल से टिकट मिला और आपके सामने ही है. जरा एक और व्यू भी करवा दें, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है इस ट्रेन में. अच्छा, इस ट्रेन में जो है ना, यहाँ से मशहद का हमने करवाई है बुकिंग. टोटली कंपार्टमेंट में 4 सीटें हैं और जो एक सीट का किराया है 4000 पाकिस्तानी रुपीज़. गो के भी मेरे ख्याल में थोड़ा महंगा हुआ क्योंकि काफ़ी रश था और हमें ही बड़ी मुश्किल से मिला. ट्रेन सर्विस यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और वैसे ही थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है. हमने 5-स्टार का टिकट करवाया हुआ है, 800-900 रुपये का टिकट भी मिल जाता है. ठीक है, काफ़ी लंबा सफ़र है जैसा इस्लामाबाद से कराची. और इसके अलावा फिदक ट्रेन भी है इनकी, 5-स्टार ट्रेन, और उससे भी एक एडवांस आई है जो गालबन तहरान के दरमियान चलती है. अच्छा, यहाँ पे आप देख लें ये सारे जो है ना स्नैक्स, ये कम्प्लीमेंट्री हैं. इसके बाद खाना भी मिलेगा और आपने सोना हो तो यहाँ ऊपर आप सो भी सकते हैं और अपना जितना लगेज है रख सकते हैं. और वॉशरूम इनका जो है वो भी मैं इसमें वीडियो में डाल लेता हूँ. जितना साफ़ सुथरा वॉशरूम, ट्रेन एसी लगा हुआ है फुल टाइम. जो सफ़र का दौरानिया है तकरीबन 10 से 12 घंटे का होगा. तो आपको फिर इंशाल्लाह बाकी भी इसमें जो चीज़ें हमें सर्विसेज हैं. ये जी ट्रेन का वॉशरूम है, आप देख सकते हैं. इंतहाई साफ सुथरा और कोई इसमें स्मेल नहीं है. ये जी और सामने एक और ट्रेन भी खड़ी हुई है, पता नहीं ये कौन सी ट्रेन है. ये भी खड़ी हुई है, भी किसी और सिटी में जा रही होगी. अच्छा जी, साथ में ये बैग भी है जिसमें ये देखें, जूते पॉलिश करने वाला टूथब्रश के अलावा ये है जी कोडक. ये भी क्या है? अच्छा, हैंड सैनिटाइजर है, टिश्यूज हैं और ये पानी की बॉटल्स, गिलास, कॉफ़ी, केक, बाकी सब कुछ हम खा गए जो भी था. ये शूज़ हैं अगर आपने रिलैक्स होने उसके लिए, और ये दो बंदों के लिए. साथ में टीवी भी लगा होता है यहाँ पे. सॉकेट्स लगी हुई हैं जिससे आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं. और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये आप फोल्ड करके यहाँ पे सो सकते हैं. और लगेज तकरीबन 5 से 6 बंदों का ऊपर आसानी से आ जाता है. और इस साइड पर अगर आप देखें ये डस्टबिन लगा हुआ है.